यूपी के रामपुर में छेड़खानी की घटना रोकने और शोधों पर लगाम कसने के लिए गठित की गई एंटी रोमियो टीम की महिला सिपाहियों के साथ कुछ लोगों ने छेड़खानी कर दी। इस घटना को लेकर हंगामा हो गया। पुलिस को लाठी बांधकर स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा। इस मामले में शाहबाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एंटी रोमियो की टीम सादे कपड़ों में शाहबाद के बड़ा गांव स्थित चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पास में ही खड़े एक युवक से महिला सिपाहियों ने पूछताछ की। वहां पर खड़े अरविंद और रामवीर ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उनको भद्दे कमेंट किए। उसके बाद आरोपी युवकों ने अपने साथियों को बुलाकर हंगामा भी किया। वहीं कुछ लोगों ने एक महिला सिपाहियों के साथ धक्का मुक्की भी की है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। सूचना मिलने के बाद शाहबाद इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आरोपी अरविंद और रामवीर को मौके से गिरफ्तार कर थाना लाया गया। महिलाओं को छेड़ रहे, तू बदमाश तो तू है। मेरा पूछने क्षेत्र में अगर कोई बोल दे, उससे कहा, मैंने पूछना नहीं कबूला। देखिए, हमारा जुलाई अभियान चल रहा है महिला जागरूकता को लेकर के, और इसमें हमारी सिविल पुलिस के लोग भी हैं। जनपद स्तर पर एक टीम गठित हुई है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार, और एंटी रोमियो स्क्वाड्स हमारे इसमें काम कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड्स में हमारा एक मेथड ही है ट्रेप, कि लोगों को अगर हम पुलिस की वर्दी में महिला कर्मी भी भेजेंगे तो लोग सतर्क हो जाएंगे। अगर वो सादे कपड़ों में जाएं तो कुछ लोग हमारे ट्रेप में फंस सकते हैं। कल की घटना वस्तुतः इसी तरह की घटना है कि हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड के लोग सादे कपड़ों में थे, वर्दी पहने जो सब इंस्पेक्टर थे वो दूर खड़े थे। कुछ मनचले लोगों ने उनके साथ फप्तियाँ कसी, और इस पर जब उन्होंने गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उनके साथ उन्होंने हाथापाई की। तत्काल दो व्यक्तियों को उसमें से गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ लोग भाग गए, और इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्यवाही की जा रही है।